फ्रेंड्स आई एम प्रियंका एंड यू आर वॉचिंग प्रियंकाज टीचिंग फ्रेंड्स टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ पोम गुड बाई पार्टी फॉर मिस पुस्पाटी यर्स विच इज गिवन इन द बुक ऑफ क्लास सिक्स न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश एंड फ्रेंड्स आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस पोएम इज रिटन इन डायलेक्ट ओके ये एक आम बोलचाल की भाषा में लिखी हुई कविता है सो यू आल आर रिक्वेस्टेड टू कीप ग्रामर असाइड आप ग्रामर का ध्यान ना दीजिएगा ठीक है और uh, मैं बता दूं कि ये जो कविता है वो निजम एजलिक के द्वारा लिखी गई है ठीक है इट्स नॉट स्टैंडर्ड इंग्लिश पोएम ठीक है ये एक स्टैंडर्ड इंग्लिश पोएम नहीं है इससे बहुत से ग्रामेटिकल एरर्स हैं और बेसिकली uh, ये पोएम उन लोगों के लिए लिखी गई है जो इंडिया के लोग हैं जिनका नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं बल्कि हिंदी है फिर भी वो कुछ ग्रामेटिकल एरर कुछ कॉमन मिस्टेक्स करके इंग्लिश को बोलते हैं तो उनका फन बनाने के लिए जो है ये कविता जो है उस फॉर्म में लिखी गई है एंड वी कैन सी दैट इट्स अ अटारिकल पोएम ये एक व्यंग एक आलोचना है ठीक है नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोम लाइन बाई लाइन एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस पोएम इज़ अ गुड बाय पार्टी ये इस कविता में जो है गुड बाय पार्टी रखी गई है किसके लिए रखी गई है दिस पार्टी इज कैप्ट फॉर मिस पुष्पा एंड शी इज गोइंग फॉरन कंट्री वो जो है विदेश जा रही है क्या करने के लिए फॉर हर फर्दर एजुकेशन फॉर गेटिंग एजुकेशन इसके लिए वो विदेश जा रही हैं और इसके लिए उनको क्या किया गया है एक गुड बाय पार्टी दी गई है फ्रेंड्स जो मिस पुष्पा हैं वो एक बहुत ही जेंटल हमेशा हैप्पी रहने वाली स्माइल देने वाली लोगों की हेल्प करने वाली और कभी ना कहने वाली लेडी हैं ठीक है नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोम फ्रेंड्स आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन यहाँ पे जो ऑथर पोइट हैं वो कहते हैं कि हमारी जो बहन है हमारी जो डियर पुष्पा है, ये फॉरेन कंट्री जा रही हैं इन टू थ्री डेज दो तीन दिनों में ये विदेश चली जाएंगी एंड वी आर मीटिंग टूडे टू विश हर बोन वोएज और हम यहाँ पे इनको इनके बोन वोइज यानी कि यात्रा के लिए गुड लक देने आए हैं बोन वोइज इज़ यूज फॉर गुड लक ठीक है हम इनको गुड विशेज देने आए हैं हैव अ नाइस जर्नी कहने आए हैं वोइज मीन्स होती है समुद्री यात्रा और बोन वोइज यहाँ पे, पे यूज़ किया गया है किसी को गुड लक के लिए तो यहाँ पर जो इस पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इवन वो पोएट हैं या कोई और भी हैं तो वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है उनको गुड बाय कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं मिस पुष्पा को जो दो तीन दिनों में फॉरन जा रही है यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स वट स्वीटनेस इज़ इन मिस पुष्पा आप सभी लोग जानते हैं कि ये कितनी स्वीट है कितनी जेंटल है कितनी हम्बल है आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस और फिर इस बात को वो क्लियर करते हुए कहते हैं कि मैं इनकी एक्सटर्नल स्वीटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमें दिखता है ठीक है जो ये शो करती हैं जो ये दिखता है या फिर इनकी ब्यूटी या इनके हम फिजिकल अपेरेंस की बात नहीं कर रहे हैं बट कि हम इनके बल्कि हम इनके इंटरनल स्वीटनेस की बात कर रहे हैं कि ये अंदर से भी लिटरली बहुत क्या है स्वीट है मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीज़न बट सिंपली बिकॉज शी इज फीलिंग और यहाँ पे जो है वो और इनको आ, इनकी तारीफ करते हुए उसको और बात को खींचते हुए बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये हमेशा स्माइल करती रहती हैं मुस्कुराती रहती हैं ठीक है थीके? चाहे कोई रीज़न हो या ना हो सिर्फ कुछ अच्छी चीज़ों को फील करती हैं कुछ बातों को याद करती हैं तो वो फील कर कर करके जो है सिंपली ऐसे ही स्माइल करती रहती हैं मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली अब यहाँ पे जो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो बहुत काइंड और स्वीट लेडी हैं तो वो उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं और कहते हैं कि मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली मीन्स शी बिलोंग्स फ्रॉम अ वेरी हाई फैमिली एक वो उनका जो संबंध है वो एक बहुत बड़े परिवार से वो आती है हर फादर बॉज अ रिनाउंड एडवोकेट उनके जो पापा हैं वो बड़े रिनाउंड फेमस एडवोकेट हैं इन बलसार और सूरत या तो बलसार में या तो सूरत में मतलब यहाँ पे जो बताने वाले हैं वो थोड़े कन्फ्यूज़ हैं वो कहते हैं कि उनके जो फादर हैं वो बलसार या सूरत में एक बहुत ही फेमस एडवोकेट हैं आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस

चाचा जी के बहुत पुराने फ्रेंड के फैमिली मेम्बर्स के साथ मैं वहाँ रुका हुआ था हिज़ वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली डेट वॉज लॉन्ग टाइम अगो और वो कहते हैं कि मैं जिनके यहाँ रुका था उनकी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और ये बहुत पहले की बात है कमिंग बैक टू मिस पुष्पा और फिर वो कहते हैं अभी वो पुष्पा के बारे में बात करते करते थोड़ा अपने ट्रैक से हट गए थे ना वो सूरत के बारे में बताने लगे थे तो वो वापस पुष्पा पे आते हुए कहते हैं कमिंग बैक टू मिस पुष्पा शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मैन ऑल्सो एंड लेडीज़ ऑल्सो कहते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हुए पुष्पा को पुष्पा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो बहुत ही पॉपुलर लेडी हैं ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुषों के बीच में भी जो है उनकी चर्चाएं होती हैं वो बहुत अच्छी जेंटल स्वीट हम्बल और बहुत पॉपुलर लेडी हैं वेन एवर आई आस्ट हर टू डू एनी यहाँ पे पोइट कहते हैं कि जब भी मैं उनसे कुछ कहने के लिए कहता हूँ शी वॉज सेंग जस्ट ओन जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट वो तुरंत कहती हैं कि हाँ मैं कुछ भी मैं कहता हूँ कोई भी काम करने के लिए कहता हूँ वो तुरंत उसे करने के लिए हाँ कह देती हैं दैट इज़ शोइंग गुड स्पिरिट और ये दिखाता है उनके गुड स्पिरिट को उनकी अच्छी भावना को उनकी अच्छे शोल को दिखाता है ये आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट और मैं हमेशा जो है गुड स्पिरिट को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ तारीफ करता हूँ प्रशंसा करता हूं मैं उसकी पुष्पा मिस इज़ नेवर सेइंग नो और यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि जो मिस पुष्पा है वो कभी किसी बात के लिए नहीं नहीं कहती हैं वट एवर आई और एनीबडी इज आस्किंग कोई भी मैं या और भी कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ के बारे में कुछ कहता है शी इज ऑलवेज से इंग येस वो हमेशा हाँ कहती हैं एंड टूडे शी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट और आज जो है वो दूसरे देश जा रही हैं क्या करने के लिए अपने भविष्य को संवारने के लिए ठीक है फ्रेंड्स यू कैन सी ही गिवेन द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट इम्प्रूव प्रोस्पेक्ट मीन्स टू इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ बींग सक्सेसफुल इन द फ्यूचर कि मतलब वो अपने भविष्य को संवारने के लिए अपने भविष्य को इम्प्रूव करने के लिए वो फॉरन जा रही हैं एंड वी आर विशिंग हर बोन वोइज और हम सब उनको क्या कर रहे हैं एक गुड लक कर रहे हैं एक हैव अ नाइस जर्नी उनको एक हम uh, मतलब बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं नाउ आई आस्क अदर स्पीकर टू स्पीक एंड आफ्टर वर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समिंग अप और यहाँ पे फिर पोइट कहता है कि मैं चाहता हूँ कि और भी जो लोग पुष्पा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं वो आए यहाँ पे कुछ कहें और लास्ट में जो मिस पुष्पा है वो इन सब चीज़ों को समिंग अप करेंगी कंक्लूड करेंगी सो फ्रेंड्स बेसिकली

वी शुड ऑलवेज बी हम्बल वी शुड ऑलवेज बी एमिकेबल पोलाइट ओके जेनरस एंड पोएम एंड फ्रेंड्स दिस पोएम इज़ अ स्टायर दट समाइज अ गुड बाई पार्टी फॉर मिस पुस्पाटीयस यूजिंग बाबो इंग्लिश अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी बाबो इंग्लिश मीन्स क्या मतलब एक परफेक्ट इंग्लिश नहीं इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी को जो हम मिक्स करके जो है Uh, जो जिस तरीके से इसको लिखा गया है एंड वी कै एंड फ्रेंड्स द पोइट्रिक डिवाइस ऑफ दिस पोयम इज अ मोनोलोगस ओके इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू शेयर टू अदर्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग